क्लास 12 का और ग्रेजुएशन में जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स लिए हुए हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है तटस्था वक्र। नाम से आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं तटस्था वक्र, तटस्था वक्र होता क्या है, तटस्था वक्र में हम लोग करेंगे क्या, उन चीजों को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो हम लोग सीखेंगे वो क्या सीखेंगे। सबसे बड़ी चीज है आगे आप वीडियो देखिएगा इससे क्या आपको सीख मिलेगी, तो सबसे पहला मिलेगा उदासीनता या तटस्था वक्र विश्लेषण, यानी कि तटस्था वक्र न करके क्वेश्चन आपसे उदासीनता का भी पूछ देगा एक चीज। दूसरा चीज आपसे पूछा जाएगा उदासीनता का अर्थ क्या होगा, यानी यहां पर आप बोल सकते हैं तटस्था का अर्थ भी पूछ सकता है वक्र का। थर्ड नंबर पे आएंगे इसको उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण करेंगे कि आप देखिए बाद की मान लीजिए वीडियो बने और आप समझ ही नहीं पाएंगे तो वीडियो बनाने से क्या फायदा है, निश्चित तौर पे आप बुक पढ़ रहे हैं किताब पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता होगा, तो उस कंफ्यूजन कौन दूर करता है, इकोनॉमिक्स में सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है उदाहरण। अगर आप उदाहरण सही लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो जो विषय वस्तु होता है जिस विषय वस्तु को समझाने का प्रयास किया जाता है वो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में आ जाता है, जिसके माध्यम से आप परीक्षा हॉल में ऐसे टॉपिकों पर लिख कर आप अच्छा नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्जिनल बच्चा इसमें मार खाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इन प्रश्नों को देखते के साथ वो छोड़ देते हैं, लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है कि आप आज इस वीडियो को अगर देखते हैं पूरी तरह से वॉच करते हैं तो निश्चित तौर पर ये नंबर आपको बड़ा इजी तरीका से दिलाएगा। है पढ़ने में देखने में है कठिन लेकिन है नहीं, आज की वीडियो के बाद आपको ये कठिन नहीं महसूस होगा। देखिए तटस्था रेखाओं की विशेषताएं क्या होती है और पांचवा बिंदु हम पढ़ेंगे तटस्था विश्लेषण की श्रेष्ठता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखे थे उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण करेंगे, तो उदाहरण द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये होता क्या है, तटस्था वक्र होता क्या है, उदासीनता है क्या, ठीक है। इसको हम लोग एक सिंपल सा तरीका से समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि कुछ खाने का वस्तु ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पिज्जा ले लेते हैं, पिज्जा, ठीक है। पिज्जा का चित्र बनाना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा लेकिन हम पिज्जा लिख देते हैं, यहाँ भी पिज्जा लिख देते हैं और यहाँ भी पिज्जा लिख देते हैं और फिर एक और भी लिख देते हैं पिज्जा, आप देख पा रहे हो पिज्जा, यहाँ पे चार बार आपको पिज्जा लिखा गया है, यानी इसमें पिज्जा की संख्या एक है, इसमें पिज्जा की संख्या दो है, इसमें पिज्जा की संख्या तीन है और इसमें पिज्जा की संख्या चार है, ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे बर्गर कर देते हैं, बर्गर यहाँ पे भी बर्गर कर देते हैं और यहाँ पे भी बर्गर कर देते हैं, फिर यहाँ पे भी बर्गर कर देते हैं। अब थोड़ा समझिए, अगर किसी व्यक्ति को एक पिज्जा देते हैं उसके साथ उसको चार बर्गर देते हैं, फिर यहाँ पिज्जा का दो है तो यहाँ पे तीन कर देते हैं, फिर यहाँ पे तीन है तो यहाँ पे दो कर देते हैं और यहाँ पे चार है तो यहाँ एक कर देते हैं। अब पिज्जा और बर्गर जो है वो खाने का वस्तु है, इससे आप लोग परिचित भी है, इसीलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। मान लीजिए सपोज एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आप लोग जैसे मान लीजिए तटस्था वक्र बनाते हैं तो एक्स लिखते हैं, तो आप एक्स मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक्स एक्स जो है कोई व्यक्ति है, अब एक्स व्यक्ति बहुत भूखा है, तो एक्स नाम का जो व्यक्ति भूखा है वो क्या करेगा, वो निश्चित तौर पे पिज्जा का उपभोग करेगा, लेकिन एक पिज्जा से उसको संतुष्टि नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, साथ में वो चार बर्गर का इस्तेमाल कर लेगा, यानी चार और एक वो पांच वस्तु का जब उपभोग कर रहा है तो वह संतुष्ट हो जाएगा, कौन, यानी एक्स वस्तु जो था, एक्स नाम का जो व्यक्ति है या एक्स जो जिसको रखे हैं वो संतुष्ट हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि पांच ही होना चाहिए, ये नंबर आपके अनुसार चेंज भी हो सकता था, जैसे ज्यादा नंबर लेने से क्या होगा ना कि ज्यादा एग्जाम्पल हो जाएगा, ज्यादा एग्जाम्पल होगा तो ज्यादा अच्छा आप समझिएगा, तो ये नंबर का महत्व नहीं है लेकिन आपको समझना होगा कि अगर एक पिज्जा खा रहा है तो चार बर्गर ले रहा है उसको संतुष्टि मिल जा रहा है, लेकिन मान लीजिए कि अगर उस व्यक्ति को एक पिज्जा और एक बर्गर देंगे तो क्या उसको संतुष्टि होगा, नहीं होगा। अगर उसको एक पिज्जा देते हैं दो बर्गर देते हैं
अब तीन को हटा देते हैं, दो बर्गर कर देते हैं, तो क्या उसको संतुष्टि मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला बार में ही आपको हम समझाने का प्रयास किया है कि जो बर्गर की संख्या होगी वो चार हो जाना चाहिए उसके लिए, और पिज्जा हमारा जो होगा वो एक चलेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो पिज्जा दो लेता है तो बर्गर उसको कितना मिलना चाहिए? तीन मिलना चाहिए, तब तो पांच होगा ना, इक्वल हो जाएगा। फिर ठीक उसी प्रकार से जब तीन पिज्जा लेगा तो दो बर्गर ले लेगा तो उसका पांच हो जाएगा, यानी इससे उसको क्या हो रहा है, संतुष्टि प्राप्ति हो जा रहा है। या कोई आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि जैसे जैसे पिज्जा की संख्या बढ़ रहा है, मतलब इस एग्जांपल से हम क्या समझ रहे हैं कि पिज्जा की संख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा बर्गर की संख्या घट रहा है। यानी यहां पर अगर इसको वस्तु में लेते हैं तो इसको एक्स वस्तु कह देते हैं, इसको वाई वस्तु कह देते हैं। एक्स वस्तु की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा वाई वस्तु की संख्या वैसे वैसे घटेगा। और जब ये जो हम प्लस यानी प्लस जो कर रहे थे योग हुआ ना, योग आप इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगा दीजिए और इसको लिख दीजिए संयोग। जो संयोग होता है ये संयोग है उसको संतुष्टि प्राप्त करने का, जिस बिंदु के माध्यम से उसको संतुष्टि प्राप्त हो रहा उपभोक्ता को वो मेरा संयोग कहलाता है। इसको अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको बहुत मजा आएगा। आप ये तो समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब इसी को थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग अपना जो सब्जेक्ट है उस पर पहुंचेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बेसिक चीजों को जब तक आप समझिएगा नहीं आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम लोग अभी पिज्जा और बर्गर से लिए फिर से वही काम करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा इसको। प्रयास तो है कि इस कंसेप्ट को आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग खत्म कर देंगे, बस आपका सहयोग होना चाहिए, आप अपना सहयोग दीजिए, आप चीजों को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। शिक्षा एक ऐसा चीज है, जानकारी एक ऐसा चीज है कि जब तक आप संयम बना के बैठिएगा नहीं, संयम बना के देखिएगा नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि चलते फिरते आप इसका उपभोग कीजिएगा वो आपको हो जाएगा प्राप्ति, नहीं होने जा रहा है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है किसी चीज को पाने के लिए कुछ समय देना पड़ता है। अब मान लीजिए थोड़ा देखिए, यहां पे हम लोग पिज्जा लिए थे जिसकी संख्या ऊपर से कर देते हैं, इसकी संख्या मान लीजिए 10 ले लेते हैं, फिर पिज्जा की संख्या हम 8 ले लेते हैं, फिर पिज्जा की संख्या हम 6 ले लेते हैं, फिर पिज्जा की संख्या हम 4 ले लेते हैं, फिर पिज्जा की संख्या हम, चलिए पिज्जा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा लिखना भी पड़ता है सब चीजों को, और फिर एक समय आएगा जब पिज्जा की संख्या 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम कीजिए, यहां तो ग्राफ बना नहीं रहे तो ग्राफ की आवश्यकता तो पढ़नी नहीं चाहिए ना। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं, तो और इधर से लेते तो ज्यादा अच्छा होता है। चलिए कोई बात नहीं, अब यहां लिखते हैं बर्गर, बर्गर फिर बर्गर फिर बर्गर, जितना ऊपर पिज्जा होगा उतना बर्गर यहां होना चाहिए, 1 2 3 4 5 तो बर्गर 3 हुआ, फिर एक बर्गर हो गया 4, और एक बर्गर यहां कर देते, थोड़ा छोटा बनेगा, बस समझाना है हमको। ये देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 8 6 4 2 हुआ, तो यहाँ स्टार्ट करेंगे हम लोग 2 से 2 4 6 8 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां ध्यान दीजिए, जब मेरे पास 10 पिज्जा था तो हम क्या किए, 2 बर्गर लिए, 8 पिज्जा हुआ तो हम 4 बर्गर लिए, 6 पिज्जा लिए तो यहां पर भी 6 बर्गर लिए, यहां 4 पिज्जा लिए तो यहां 8 बर्गर लिए, यहां 2 पिज्जा लिए तो यहां 10 बर्गर लिए, ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा इसको, अब इसको जो ले रहे हैं तो इसका संयोग बिंदु योग बिंदु हुआ, योग बिंदु क्या हुआ, अब देखिए 10 और 2 12 हो गया, 8 4 12 हो जा रहा है, 6 और 6 12 हो जा रहा है, 4 और 8 12 हो जा रहा है, 2 और 10 12 हो जा रहा है।
ये जो बिंदु हुआ इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको संयोग कहते हैं, इसको संयोग कहते हैं, ठीक है। इस बिंदु को हम लोग संयोग कहते हैं, और ये सब बिंदु जो है यहाँ से उतर कर ऐसे ऐसे चला आएगा और इस प्रकार से चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, ठीक है। आप देखिए ये आकार इस तरह का बना, ये आकार जो है इसी को हम लोग तटस्था, तटस्था वक्र कह सकते हैं, तटस्था वक्र बोल सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा जो संयोगों का, जो संयोग आपस में मिलता है और उससे जो एक रेखा निर्मित होती है, बढ़िया समझिएगा इस बात को। जब संयोगों को आपस में मिला दिया जाता है और उससे जो निर्मित रेखा होती है उसे हम तटस्था वक्र रेखा कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत मस्त तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद आशा है कि आप इसको समझे होंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाया गया पिज्जा बर्गर का कुछ उसी तरह का कंसेप्ट यहाँ पे भी हम आपके लिए रखे हैं, जो आपको ये बहुत आसान से क्लियर कर सकता है। अब देखिए अब यहाँ क्या बताना चाहता है कि हम दो प्रकार की हम वस्तुएं लिए हैं, एक एक एक्स वस्तु है जिसकी संख्या 0, 1, 2, 3, 4 है, और यहाँ पे वाई वस्तु है जिसकी संख्या 10, 8, 6, 4, 3 देख पा रहे होंगे आप 10, 8, 4, 2 ये इसका वाई वस्तु है। अब आप समझिए इसको बढ़िया से कि जब वाई वस्तु 10 लिया है तो क्या किया है, एक्स वस्तु जो है 1 लिया है। फिर आप क्या देख पा रहे होंगे, 10 के बाद सीधे आप देख रहे होंगे 8 और 4 के बीच में है, तो 8 और 4 के बीच में है तो यहां पे फिर आपका 6 होगा, क्योंकि 10, 8, 6, 4 फिर 3 फिर 2 है, उसके बाद फिर आप कर दीजिए 1, ठीक है। यहां पे जो बिंदु बनाया गया है 10 10, जब 10 वस्तु y का लेते हैं तो इसका x का वस्तु जो है वो क्या है, 1 है। फिर जैसे ही हम y के वस्तु को कम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, x का वस्तु 10 लिए पहले तो y का वस्तु 10 लिए तो x का वस्तु मेरा 1 हुआ, लेकिन जैसे ही y के वस्तु को हम कम किए 6 तो मेरा क्या हुआ, x का वस्तु देखिए 1 से 2 हो गया, बढ़ा। यानी ये जो बिंदु है, इस बिंदु, ये जो बिंदु लिखा हुआ है, इस बिंदु को हम अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि ये संयोग बिंदु होता है, ये संयोग बिंदु होता है, और इन संयोग बिंदुओं को आपस में मिलने के बाद जो रेखा का निर्माण होता है उस रेखा को ही तटस्था वक्र, तटस्था वक्र रेखा या उदासीनता रेखा कह सकते हैं। आप इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी बिंदु भी मान सकते हैं। यानी इन बिंदुओं जो मेरा इस रेखा चित्र के माध्यम से ए बी सी डी चार बिंदु दिया गया है, उन चारों बिंदुओं के संयोग से जो हमारी रेखा निर्माण होती है उस रेखा को ही हम तटस्था रेखा कहते हैं। क्योंकि y वस्तु का जैसे जैसे मान गिरता है x वस्तु का मान बढ़ता है, यानी एकदम स्पष्ट पता चल रहा होगा कि एक वस्तु का मान, एक वस्तु का उपभोग के बाद जब दूसरी वस्तु का उपभोग बढ़ता है, एक वस्तु का उपभोग में अगर कमी आती है तो दूसरी वस्तु का उपभोग में वृद्धि होती है, और ऐसे स्थिति में जो निर्माण होता है उसे तटस्था वक्र या रेखा कहते हैं। अब इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं, इसे और ज्यादा क्लियर समझते हैं। वाई वस्तु का यहाँ पर उपभोग जो है धीरे धीरे कम होने लगता है तो एक्स वस्तु का उपभोग बढ़ने लगता है। ये तो क्लियर हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक कंफ्यूजन कभी भी आप मत रखिएगा कि यहाँ पे किसी अंक का जोड़ से हमको मतलब है, 10 और 2 12 होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस चीज को पकड़िए,
कि यहाँ पर जो पिज्जा का संख्या था पहले 10 था, फिर 8 हुआ, फिर 6 हुआ, मतलब गिर रहा है, कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बर्गर की संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसीलिए कोई भी डिजिट काउंट ले लिया गया तो आप जोड़ के पीछे प्रसार मत होइएगा, जोड़ कोई मतलब ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। आपको क्या मतलब रखना है कि एक एक वस्तु का मान धीरे धीरे या उपभोग जो होगा वो धीरे धीरे कम होगा तो दूसरे वस्तु का उपभोग बढ़ेगा, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा जाता है, बार बार परीक्षा में आप देखे होंगे क्वेश्चन आता है, उदासीनता वक्र जो है या उदासीनता रेखा जो है हमेशा दाएं ओर क्यों झुकती है, ये प्रश्न रहता है। या पूछा जा सकता है कि तटस्थता वक्र रेखा जो है नीचे की ओर क्यों जाती है, ये प्रश्न रहता है आपसे। अब इसका जवाब यही होगा कि जब एक वस्तु का उपभोग बढ़ रहा है तो दूसरे वस्तु का उपभोग घट रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि आप यहीं पे देख रहे हैं वाई वस्तु, तो वाई वस्तु क्या हो रहा है, फॉल डाउन हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो नीचे क्यों जा रहा है ना, प्रश्न आपसे यही करेगा। अच्छा, जहां पे आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे धीरे धीरे जो है दाई ओर झुक रहा है, यानी पहले यहाँ था ये रेखा ए पर और आप कहाँ देख रहे हैं डी पर, तो दाई ओर आपका क्या होगा, इधर इधर जाएगा। रेखा का शुरुआत यहाँ से हुआ है, रेखा का शुरुआत देखिए ए बिंदु से हुआ है और हम गए कहाँ पे, डी पर, डी की ओर, तो हमारा अगर दाई ओर होगा तो ये साइड होगा। इसीलिए इस रेखा को कह सकते हैं कि इसका जो बनावट होगा इस प्रकार का होगा और इस प्रकार का होगा, यानी आप कह सकते हैं कि नीचे क्यों क्यों जा रहा है, क्योंकि उपभोक्ता की वस्तुओं का मान धीरे धीरे कम हो रहा है और दूसरे वस्तु का उपभोक्ता का मान बढ़ रहा है। आप देखिए बढ़ रहा है धीरे 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 इसका मान बढ़ रहा है, ये नीचे की ओर हुआ और ये दाहिने की ओर हुआ, दाहिने की ओर हुआ। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब अगर क्वेश्चन करे कि दाहिने ओर क्यों होता है या नीचे की ओर झुकता क्यों है, तो बताइएगा कि उपभोक्ता की वस्तु का मान जब अधिक से, ध्यान दीजिए, जब नीचे रहेगा प्रश्न, तो जवाब आपको क्या होगा, किसी भी उपभोक्ता का जब वस्तु का मान धीरे धीरे कम होने लगता है तो वो नीचे की ओर गिरेगा। जब धीरे धीरे किसी वस्तु का उपभोक्ता का मान कम होने लगे, बात को समझिए, पकड़िए, नीचे जब लिखा जाएगा ना तो उसमें भूलिएगा कि कम होने लगे, तब वैसे स्थिति में वो नीचे की ओर जाता है, लेकिन जब दूसरे उपभोक्ता का वस्तु का मान बढ़ने लगता है तो दाहिने ओर होगा। बस इतना सा बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल का जो एग्जाम्पल लिए थे उसी एग्जाम्पल को हम लोग आगे लेकर बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है, आपको दिखाया गया कि संयोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। इसको समझने के लिए हम लोग छोटा सा एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे संयोग कितना है, चार संयोग है, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए तब आपको संयोग पता चलेगा। देखिए अब आपको करना क्या है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, एक वस्तु हम लोग यहां पर ले रहे हैं जिसमें से एक, दो, तीन, चार, ये चार वस्तु लिए हैं, चार वस्तु लिए हैं। अब आप वाई वस्तु जो है वो देख रहे होंगे आप, एक, तीन, छह, दस है, यानी आपको यहां पर एक रखना है, यहां पर आपको दो वस्तु करना है, यहाँ चार वस्तु करना है, यहाँ छह वस्तु करना है और यहाँ पे आठ वस्तु करना है, ये y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया मेरा x वस्तु, यहाँ हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं आप y वस्तु हो गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा वाई वस्तु 10 तक जाना चाहिए। अब यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा संयोग बना है, एक्स वस्तु मेरा नीचे है, वाई वस्तु मेरा ऊपर है
आप देख पा रहे होंगे कि जब हम y का 10 वस्तु लेते हैं, y का 10 वस्तु लेते हैं तो फिर हम लोग x का 1 वस्तु को टच करते हैं, ये मेरा पहला हो गया। फिर हम क्या देख रहे हैं कि दूसरा बार में हम y का 6 वस्तु लेते हैं और x का 2 वस्तु लेते हैं, y का 6 x का 2 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा में हम क्या देख रहे हैं कि तीन तीन ले रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि ये 4 और 2 है, इसके बीच में यहां 3 आएगा, यहां से इसको ऐसे लेंगे और यहां से इसको ऐसे ले लेंगे, हो गया। चौथा में है 4 और 1, यानी आपको 1 लेना है और इसका चौथा लेना है। आप क्या देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर, ठीक है, ये आपका ए बी सी और डी हो गया, इसी को तटस्थता रेखा कहते हैं, और ये भी जो है ये आपका संयोग हो गया, संयोग, ठीक है। अब आप यहां देखेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा ये संयोग था, ये x वस्तु जो है 1 2 3 4 था, 1 2 3 4 है, और y वस्तु 10 6 3 1 है, 10 6 और इन 4 2 के बीच में आपको 3 मिल जाएगा और 1, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अनुसार ए बी सी डी जो है वो आपका संयोग रेखा हो गया, और ये जो बना इन सब संयोग रेखाओं को जो मिला दिया गया है तो ये आपका तटस्थता रेखा का निर्माण कर दिया। अब इसी चीज को आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हुआ है तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इस तालिका में x वस्तु एवं y वस्तु के विभिन्न संयोग दिए हुए हैं, जो विभिन्न संयोग a b c d है, विभिन्न संयोग दिए हुए हैं, इन विभिन्न संयोगों के उपभोग से इसका उपभोग, इसका उपभोग, इसका उपभोग और इसका उपभोग से उपभोक्ता यानी जो इसका प्रयोग कर रहा था, कल जो हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे उसका बात कर रहे हैं, उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी इन ए बी सी डी से उपभोक्ता को क्या हो रहा है, उपभोक्ता को उपभोग करने के बाद समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। जैसे 1 जो है एक्स वस्तु और 10 वाई वस्तु, फिर कह रहा है कि 2 जो है 2 एक्स वस्तु और वाई 6 वस्तु, फिर उसी तरह से 3 एक्स वस्तु और वाई आपका 3 वस्तु, फिर आपका एक्स 4 वस्तु, वाई 1 वस्तु, यहां का उपभोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इस वक्र के माध्यम से हम लोग यही समझने का प्रयास किए हैं कि जब तटस्थता वक्र होगा तो भिन्न भिन्न संयोगों से उपभोक्ता को उपभोग के दौरान जो प्राप्ति होगी उसकी संतुष्टि होती है उससे, और उस संतुष्टि के लिए जो संयोग बिंदु निर्माण होता है उन बिंदुओं को आपस में जब हम मिलाते हैं तो एक तटस्थता रेखा का निर्माण होता है, जिसे हम लोग उदासीनता रेखा भी कहते हैं, जो वाई वस्तु के उपभोग की संख्याओं में जैसे जैसे कमी आती है वो नीचे की ओर जाती है, और जिस प्रकार से एक्स वस्तु के उपभोग की संख्या बढ़ती है वो दाहिने की ओर खिसकती है। यही आपको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, उससे और आपका क्लियर हो जाए। अभी तक तटस्थता वक्र को हम लोग बहुत आसानी तरीका से एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किए, एक्चुअली इस विषय वस्तु पर अभी तक हम लोग जो है मतलब हर बार हम लोग करते कहते ना कि परिभाषा को पहले लेते थे और बाद में हम लोग किसी एग्जाम्पल को रखते थे। इस बार हम लोग कंसेप्ट को थोड़ा चेंज किए, पहले आपको स्पष्टीकरण यानी उदाहरण जो होता है उसको लेकर आए,
अब उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपने मुख्य कंसेप्ट की ओर आ रहे हैं। तो इसको कभी आप मत सोचेगा कि आपका रिवर्स में वीडियो जा रहा, नहीं जा रहा रिवर्स में। मेरा मकसद था कि ये कंसेप्ट आपको पहले हम बेसिक बाहरी ज्ञानों के माध्यम से सिखा दे, फिर हम लोग किताबी जानकारी की ओर आएंगे और उसी का भाग के रूप में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि उदासीनता या तटस्था वक्र विश्लेषण, इसकी विश्लेषण क्या है। तो यहाँ पर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि ये जो परिभाषा उदासीनता का था ये मार्शल जी के द्वारा लाया गया था, किंतु इसे बाद में देख रहे होंगे एजवर्थ, पारेटो, एलन और हिक्स के द्वारा रूपांतरण करते गया, या कह सकते हैं कि जैसे मोबाइल आप जब खरीदते हैं तो आपको हर बार अपडेट देता है, न्यू वर्जन देता है, कुछ उसी तरह का कंडीशन उदासीनता या तटस्था वक्र विश्लेषण में भी हुआ है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका जो व्यवस्था है या ये जो परिभाषा है इसको हम लोग बहुत बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इसमें बदलाव आया। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि 1808 ईस्वी में एजवर्थ ने मांग की व्यवस्था में तटस्था वक्रों का प्रयोग किया, यानी मार्शल जी के द्वारा जब इस परिभाषा को वर्णित किया गया था, जब मार्शल जी के द्वारा इस परिभाषा को लाया गया था, यही उदासीनता या तटस्था वक्र जो था पहले मांग की व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, जिसमें अनेकों प्रकार का संशोधन होने के बाद आज जो है उदासीनता या तटस्था वक्र विश्लेषण के रूप में हम लोग जान पा रहे हैं। और वह श्रेय कहीं ना कहीं हिक्स जी को जाता है, जो प्रोफेसर मतलब हिक्स के ने अपनी पुस्तक में इसको चेंज कर बताए हैं। हम लोग उसी अपडेट को थोड़ा समझने का यहाँ प्रयास करेंगे कि आखिर ये उदासीनता या तटस्था वक्र विश्लेषण अचानक से आया कैसे। तो कह रहा है कि 1808 में जो मार्शल के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी मांग की व्यवस्था, या जो उस टॉपिक को लाया गया था, उसमें एडवर्ड महोदय ने कुछ चेंजों को, कुछ बदलावों को करने के बाद उसका नाम रख दिया गया तटस्था वक्रों का प्रयोग। अब उसके बाद जो है फिर 1906 ईस्वी में पैरेटो महोदय के द्वारा कुछ संशोधन किया गया, और जो एजवर्थ के द्वारा मांग की व्यवस्था में तटस्था वक्र को ऐड किया गया था उसी में थोड़ा चेंजिंग करके उस विधि को अपना लिया गया। किनके द्वारा? पैरेटो द्वारा 1906 में। ठीक है, अब आगे जब ये कहानी बढ़ता है, इसकी न्यू वर्जन जब आती है, तो इसका न्यू वर्जन में आप देख रहे होंगे कि 1939 में एलन और हिक्स महोदय ने, ये संजू दोनों मिलकर, कौन कौन? एलन और हिक्स ने ए रिकॉल साइटेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू नामक लेख में उदासीनता वक्र विश्लेषण को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। जैसा कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, जब अगर हम तटस्था वक्र की बात करते हैं और उसमें वैज्ञानिक पद्धति को जोड़ दिया जाता है या वैज्ञानिक रूप दे दिया जाता है, तो उसकी महत्व बढ़ जाती है। और वो महत्व किसके द्वारा बढ़ा, अगर पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि तटस्था या उदासीनता वक्र को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का श्रेय किन प्रोफेसर महोदय को जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए एलन और हिक्स को, जिनके द्वारा 1939 में इसको लाया गया था। अब हिक्स महोदय के द्वारा जब इसको वैज्ञानिक रूप प्रदान किया गया तो उनको महसूस हुआ, उनको एहसास हुआ कि शायद इसमें कुछ अभी भी कमी रह गई, जिसके कारण देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बाद में हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू ऑफ कैपिटल एवं रिवाइजन ऑफ डिमांड थ्योरी में उदासीन वक्र विश्लेषण में संशोधन कर इसकी विस्तृत व्याख्या प्रदान की। मतलब इससे एकदम स्पष्ट आपको पता चल रहा होगा कि हिक्स महोदय को एहसास हुआ, जब एलन और हिक्स के द्वारा संशोधन किया गया था, वैज्ञानिक रूप प्रदान किया गया था, तो महसूस हुआ हिक्स महोदय को कि शायद इसमें कुछ अभी भी कमी रह गई है, जिसको उन्होंने अपनी पुस्तक वैल्यू ऑफ कैपिटल या बोल सकते हैं रिवाइजन ऑफ डिमांड थ्योरी में उदासीन वक्र विश्लेषण में बाद में उन्हें संशोधन करना पड़ा, और उनकी उस संशोधन के बाद
उसकी विस्तृत व्याख्या की है। अब विस्तृत व्याख्या जब स्टार्ट हो गया है तो कहीं ना कहीं अब हमारे मन में इन सारी कंसेप्टों को जानने के बाद एक बात जरूर आ रहा होगा कि आखिर उदासीनता का अर्थ क्या होता है, तटस्था वक्र होता क्या है। ग्राफ से एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ गए, लेकिन अगर हम थ्योरी के रूप में लिखना चाहें, बताना चाहें, तो फिर क्या बताएं। तो हम लोग अब अपने कंसेप्ट में उदासीनता का अर्थ पर चर्चा करते हैं। अभी तक हम लोग उदासीनता रेखा को जो है एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किए, और जो उदाहरण के द्वारा बताया गया लगभग आप उससे संतुष्ट हो चुके होंगे। अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि उदासीनता का अर्थ, यानी उदासीनता के बारे में जब लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाए, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए सबसे पहले हम लोग स्पष्टीकरण की ओर गए थे कि अगर हम स्पष्टीकरण उदासीनता का स्पष्टीकरण कर लेते हैं, अगर उसका उदाहरण ले लेते हैं, तो उदासीनता को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब जैसा कि हम लोग देख रहे होंगे उदासीनता का अर्थ, उदासीनता वक्र वह रेखा होती है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को प्रदर्शित करता है जिसमें किसी उपभोक्ता को समान उपयोगिता मिलती है। कल जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे उसमें बताया गया था 6 और 4 10 हुआ, फिर जब घटा दिए यानी उपभोक्ता जो है वो 6 से 4 पे आ गया, और यहाँ पे दूसरे वस्तु में क्या क्या 6 बढ़ा दिए यानी 6 4 10 हो गया। तो कह रहा है कि समान उपयोगिता मिलती है अर्थात वह मात्राओं के उन जोड़ों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का मार्ग है जिनके बीच व्यक्ति तटस्थ है, और इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, तटस्था वक्र रेखा कहते हैं। कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए परिभाषा में, क्योंकि एकदम स्पष्ट हो रहा है कि जो संयोग होगा उसको प्रदर्शित करता है, और जिससे क्या होगा किसी उपभोक्ता को समान उपयोगिता मिलेगा उसको समान, अर्थात या मात्राओं के उन जोड़ों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का मार्ग है जिनके बीच व्यक्ति तटस्थ है, और इसी रेखा को हम क्या कर रहे हैं, तटस्था वक्र रेखा कहते हैं। अब इसको आप सरल शब्दों में कैसे कहेंगे, सरल शब्दों में कैसे जानेंगे, तो देखिए यहाँ का जरा यह कहा जा सकता है कि तटस्था वक्र रेखा होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा पढ़ने से, जैसे सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि तटस्था वक्र रेखा होती है, वक्र रेखा वह होती है, यहाँ पे वह कर दीजिएगा, तटस्था वक्र रेखा वह होती है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता आपस में समान होती है। अब देखिए, अब इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ज्यादा समझना है ना। तो देखिए यहां पे हम लोग ग्राफ के लिए इस तरीका से लेते हैं। अब यहां पे हम क्या करते हैं, वाई वस्तु कर देते हैं, यहाँ पे एक्स वस्तु कर देते हैं, यहाँ पे पहला वस्तु 10 करते हैं, फिर हम लोग 8 कर देते हैं, फिर 6 कर देते हैं, 4 हो गया, 2 हो गया, और ये आपका 0 हो गया। फिर यहाँ पे भी उसी तरह से 1 2 3 और ये 4 हो गया आपका, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, आपका जो ये परिभाषा दिया गया है उस परिभाषा के तहत इसका क्या अर्थ होना चाहिए, परिभाषा क्या बोल रहा है, वो आपका इस वक्र में दिख रहा है या नहीं। तो इसके लिए सबसे आसान सा काम हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, तो इसको 10 वस्तु को एक वस्तु से मैच कर दिए, फिर आपका कीजिए 6 वस्तु को दूसरे वस्तु से मैच कर दीजिए, फिर आपका कीजिए तीसरे वस्तु से मैच कर दीजिए, और फिर आप एक वस्तु को चौथे वस्तु से मैच कर दीजिए, हो गया। अब यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो इसका बिंदु है ये कितना बिंदु बना, 4 बिंदु बना, संयोग बना 4 हो रहा। अब इन चारों संयोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, देखिए ये जो रेखा हुआ, ठीक है, परिभाषा को फिर से समझते हैं कि उदासीनता
वक्र वह रेखा होती है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु ये हो गया, प्रत्येक बिंदु जो प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं कैसे समझ, दो वस्तु कैसे, एक वस्तु वाई और दूसरा वस्तु एक्स हुआ, दो ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करता है जिसमें किसी उपभोक्ता को, कोई उपभोक्ता है, उस उपभोक्ता को समान उपयोगिता मिलती है, यानी 10 किए, यानी 10 वस्तु था तो एक वस्तु लिए एक्स का, लेकिन जैसे वाई वस्तु को कम करते हैं यानी 10 से 6 किए तो उसी प्रकार क्या किए, वाई एक्स वस्तु को फिर बढ़ा दिए, दो कर दिए। अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है, यहाँ पे लिखा हुआ अर्थात यह मात्राओं के उन जोड़ों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का मार्ग है, ये जो बिंदु था उन बिंदुओं के जो मार्ग यानी जो रास्ता है उसको जो प्रदर्शित करता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तटस्थ रेखा कहेंगे, तटस्थ रेखा कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए प्रोफेसर बोल्डिंग महोदय के द्वारा इसे और स्पष्ट किया गया है, समान अनुपात प्रदर्शित करने वाली रेखाएं ही उदासीनता वक्र होती है। परिभाषा तो आपको क्लियर है, समान अनुपात प्रदर्शित करने वाली रेखाएं ही उदासीनता वक्र होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समान अनुपात प्रदर्शित करने वाली, समान अनुपात में होना चाहिए, करने वाली रेखाएं ही उदासीनता वक्र होती है जो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करती है जो एक दूसरे से न तो अच्छे होते हैं और न ही बुरे होते हैं। अब यहां भी ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है, जो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करती है, जो ये संयोग को प्रदर्शन किया है वो क्या बोलता है, जो एक दूसरे से न तो अच्छे होते हैं, एक दूसरे से अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं, यानी अपने अपने जगह पर यह समान होता है और जब अपने अपने स्थान पर यह समान रहेंगे तभी तो संतुष्टि उपलब्ध करा पाएंगे। ये उदासीनता का जो परिभाषा दिया गया है बहुत ही सहज और सरल रूप में प्रदर्शन किया गया है, आप इसे ग्राफ के माध्यम से भी समझने का प्रयास किए। अब हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जो परिभाषा हम लोग जाने इसको आसानी से अपने नोटबुक में इसको नोट कर ले और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तटस्थता रेखाओं की विशेषता, तटस्थता रेखा का जो उपयोगिता था और जो उसका अर्थ था उसको जानने के बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर जो है हमारी विशेषता। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है कि तटस्थता रेखाओं की विशेषताएं क्या हो सकती है। हाँ देखिए, इसकी अगर विशेषताएं पढ़ते हैं तो इसकी विशेषताएं में पहला आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकते हैं। यहाँ पर कोई आपको इशू नहीं होना चाहिए, जितना उदाहरण हम लोग दिए हैं उसे आपको समझ में आ गया होगा कि तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर क्यों झुकते हैं। और फिर से आप देखिए इसको, यहाँ पे वाई वस्तु ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स वस्तु लेंगे, यहाँ पे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब इसमें जो है आप एक दो चार छ आठ इस क्रम में हम ले लेते हैं, ठीक है, ये आप जीरो हो गए। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि जब वाई वस्तु आठ ले रहा है तो एक्स वस्तु वो एक कर दे रहा है, जब वाई वस्तु छ कर रहा है तो एक्स वस्तु दो कर रहा है, यानी वाई वस्तु आठ से छ जब हुआ तो आपका एक्स वस्तु एक से दो हुआ, यानी जब वाई वस्तु घटा तो एक्स वस्तु बढ़ा। ठीक उसी प्रकार से आप देखिए यहां पे मान लीजिए इसको तीन, वाई वस्तु तीन लिया तो आपका एक्स वस्तु तीन हो गया, फिर वाई वस्तु एक लेता है तो एक्स वस्तु चार हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं जैसा कि आपकी विशेषता में बताया गया बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है, बाएं से दाएं यानी बाएं का मतलब हो गया ये पूरा फिगर यहां से स्टार्ट हुआ और इस दिशा की ओर बढ़ रहा है, यहां से स्टार्ट होकर देखिए आप ये केंद्र बिंदु तक आया, यानी ये जो हमारा भाग होता है वो दाहिने ओर होता है, तो बाएं से दाएं ये क्लियर हो गया।
अब ऊपर नीचे की ओर झुकते हैं, नीचे की ओर क्यों झुकते हैं, तो नीचे की ओर इसलिए झुकते हैं कि वाई वस्तु का मांग कम हो रहा है और एक्स वस्तु का मांग बढ़ रहा है, जिसके चलते वह नीचे की ओर झुकता है, यानी इस दिशा में ये भाग रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, उदासीनता वक्र मूल्य बिंदु की ओर उन्नतो दर होता है। अब यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है, अब आधा से ज्यादा लड़का लड़की जो है इस पॉइंट से कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी यही पॉइंट से आपका प्रश्न भी बनाता है, उदासीनता रेखा उन्नतोदार हो सकता है कैसे, तो क्या तटस्था वक्र की जो परिभाषा उसी को लिख दे, नहीं, यहाँ पे उन्नतोदार का मतलब हो जाता है, इसको भी एक हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। जब तक आप इसमें ग्राफ का प्रयोग नहीं कीजिएगा चीजें जो है आपको बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं पता चल पाएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हर बार हम लोग क्या कर रहे थे, एक वस्तु में एक दो तीन चार ले रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग बढ़ा देते हैं, आठ इसको करते हैं, छह इसको कर देते हैं, चार इसको करते हैं, दो इसको कर देते हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, वस्तु जो है हमारा बढ़ेगा, या फिर आप इसको इसी तरह से रखें, छोड़िए, एक दो तीन चार इसको इसी तरह रखते हैं, चलिए सीधा सीधे रखते हैं, एक दो तीन चार पांच छह। अब यहां पे बोल रहा है कि जब x का चार वस्तु लेते हैं तो y का एक वस्तु लेते हैं, जब x का तीन वस्तु लेते हैं तो y का, मतलब सीधा करना चाह रहा है कि अगर इस कंडीशन में जाता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाता है, इसमें उन्नतोदार में क्या करना है कि नीचे से ऊपर की ओर जब जाएगा तो उस रेखा को उन्नतोदार रेखा कहा जाता है, यानी वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है जब x वस्तु का मान घट रहा है और y वस्तु का मान बढ़ रहा है, और वैसी स्थिति में जो हमारा वक्र बनेगा वो उन्नतोदार बनेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तीसरा जो है कि ऊपर वाला उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, पूरे वीडियो में आप शुरू से अंत तक में आप कहीं नहीं सुनेंगे कि अभी तक हम लोग ऊपर वाला का चर्चा किए थे, लेकिन इस वीडियो में एक लाइन आगे ऊपर वाला उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। ये ऊपर वाला उदासीनता वक्र होता क्या है, जैसे सपोज यहां पर दो दो रेखाओं का चर्चा करते हैं, अब आप देखिए इस रेखा को कैसे चर्चा करते हैं, इस रेखा पर चर्चा हम लोग करेंगे, जैसे सपोज ये जो हमारा रेखा था इस तरीका से जो बना एक, और दूसरा इस रेखा से बना, ध्यान दीजिएगा यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि ऊपर वाला उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, तो ऊपर वाला कौन हुआ, ऊपर वाला ये हो गया, और ये पीछे से बना है, तो इससे ज्यादा संतुष्टि उपभोक्ता को किससे प्राप्त होगा, ऊपर वाला से, ये तीसरा इसका पॉइंट था। अब ये चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, इसमें कोई इशू नहीं, आप देख पा रहे होंगे दो वक्रों का प्रयोग हम लोग यहाँ पे किए हैं, लेकिन दोनों कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटा, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है। पांचवा, उदासीनता वक्र का रूप गोलाकार भी हो सकता है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि गोलाकार क्यों, अब गोलाकार कैसे हो जाएगा, अभी तक जितना भी हम लोग कर बनाए गोलाकार का तो चर्चा कहीं हुआ ही नहीं है। अब इसको गोलाकार समझने के लिए इसको भी थोड़ा सा एक ग्राफ का प्रयोग करते हैं। अब ग्राफ का जब प्रयोग करते हैं तो समझिए, हम लोग शुरू में जब उदाहरण लिए थे तो दोनों का संतुष्टि को पूरा करने के लिए क्या कर रहे थे,
कि एक का जो है वो संख्या अगर वाई वस्तु का संख्या कम कर रहे थे तो एक्स का बढ़ा रहे थे, लेकिन जब दोनों को सेम रख दिया जाए, यानी कहा जाए कि अगर वाई का 3 और एक्स का भी 3 लेते हैं तो ये जो चित्र बनेगा कहीं ना कहीं इससे आपको ये गोलाकार दिखाई पड़ रहा होगा। गोलाकार कहने का मतलब क्या होना चाह रहा है कि इसकी जो संतुष्टि होगी, यानी किसी व्यक्ति का अगर संतुष्टि पूरा करने का भार जो होता है वो अलग अलग वाई वस्तु से अलग एक्स वस्तु से अलग होता है, और दोनों वस्तु को, यानी मान लीजिए मेरा एबिलिटी, मेरा क्षमता 4 रोटी खाने का है और हम गलती से 6 रोटी खा जाते हैं, यहां संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होगी, ये नकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव यानी नकारात्मक का जब उदासीनता वक्र में प्रयोग होता है तब याद रखिएगा कि वो बिल्कुल गोलाकार हो जाएगा, यानी उसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं रह जाएगा। जब कुछ भी नहीं रहेगा तो वो अपने जगह पर गोलाकार का आकार ले लेगा, यानी यहां पर कहा जा सकता है क्या नेगेटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। तो ऋणात्मक शब्द का प्रयोग करने के लिए गोलाकार का भी प्रयोग किया गया है। आई होप, मैं आशा कर सकता हूं कि यह जो तटस्थता वक्र है यह बहुत ही बारीकी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। इसके बावजूद अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट, कुछ सवाल आपको हो तो आप निश्चित तौर पर उस बिंदु को जरूर डालें ताकि हम लोग उसका सही समय पर समाधान कर सके। अगर इसके अलावा किसी और भी इकोनॉमिक्स से आपको जुड़ा हुआ कोई कंसेप्ट हो जिस पर आपको जानकारी लेना हो, आप निश्चित तौर पर कहें, उस पर हम लोग बहुत जल्द वीडियो बना के लाएंगे। लेकिन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है। ये ऐसा प्रश्न होता है जो लगभग 50% बच्चे बनाते हैं और 50% बच्चे छोड़ देते हैं, तो केवल कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, समझ नहीं पाता है, जिसके चलते ये दिक्कत होता है। आप इस वीडियो को देखिए, निश्चित तौर पे आप अपने एग्जाम में इस प्रश्न को